नमस्कार दोस्तों, एक बच्चा बहुत सारी नई नई चीजें सीख लेता है, नई स्मृतियां बनाता है, लेकिन जो ही वह बच्चा प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ता है उसे इस बात का डर सा लगना शुरू हो जाता है कि अब मैं शायद कोई नई चीज ना सीख पाऊंगा ना कोई नई मेमोरी क्रिएट कर पाऊंगा। लेकिन हाल ही में जो रिसर्च हुई है, इस रिसर्च से प्रौढ़ व्यक्ति खुश हो सकते हैं। इसमें बात कही गई है साइलेंट सिनेप्सेज की। इस थ्योरी को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था स्टीफानो फूसी और लैरी एबोट ने, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा था कि न्यूरॉन्स प्लास्टिसिटी मैकेनिज्म के आधार पर काम करते हैं और वो नई चीजें एफिशिएंटली सीख सकते हैं और बनी हुई मेमोरी को लंबे समय तक रिटेन रख सकते हैं। हाल ही में MIT में चूहों पर जो रिसर्च हुआ है उसमें ये बात सामने आई है कि एडल्ट मस्तिष्क में भी 30% सिनेप्सेज साइलेंट होते हैं। ये साइलेंट सिनेप्सेज लगातार नए कनेक्शनों की तलाश में बने रहते हैं। अगर इनके सामने नई सूचना प्रस्तुत की जाए तो ये कनेक्शन स्ट्रेंदन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपस में सुदृढ़ता से न्यूरॉन संबद्ध होते हैं और यही न्यूरॉनों की संबद्धता हमारे मस्तिष्क में स्मृति का निर्माण करती है। इसलिए अगर आप प्रौढ़ावस्था में भी पहुंच चुके हैं तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप नई स्मृतियां बना सकते हैं। जरूरत है स्वयं के मस्तिष्क में नई नई सूचनाएं पहुंचाने की। अगर आप ऐसा लगातार करते रहे तो साइलेंट सिनेप्सेज एक्टिव होंगे, सुदृढ़ होंगे और हो सकता है कि आप अपने बुढ़ापे में डिमेंशिया का शिकार होने से बच जाएं।